चीन को झटका देने के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने बांग्लादेश की मदद करके चीन की व्यापार नीति की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल दोनों देशों ने व्यापार को बढ़ावा देने और इसे आसान बनाने के लिए रुपए में लेन देन का फैसला लिया। दोनों देशों के इस फैसले से चीन की बाजार को बांग्लादेश में भारी नुकसान होने का अनुमान है। कैसे, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत। देखा जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी देशों में चीन ने अपनी व्यापार नीति बहुत अच्छे से फैला रखी है। देखा जाए तो एक तरीके से चीन का यहां पर बहुत अच्छे से दबदबा है, मगर उसे झटका देने के लिए अब भारत अपने पांव पसार रहा है। भारत और बांग्लादेश ने जो भारतीय रुपए में कारोबारी लेन देन का फैसला लिया, उससे लागत भी कम लगेगी और इससे द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और सबसे जरूरी, इससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। एग्जिट पर सीआईआई की राष्ट्रीय समिति संजय बुधिया ने खुद ये बात कही कि इस व्यवस्था के तहत सभी निर्यात व आयात और कारोबारी लेन देन को भारतीय रुपए में किया जा सकता है। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी और क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करने के अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कह सकते हैं कमी जैसी स्थितियों का समाधान भी निकलेगा। ये निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच व्यापार की वृद्धि को बढ़ावा देगा। ये वैश्विक व्यापारिक समुदाय के बीच भारतीय मुद्रा की बढ़ती रुचि का समर्थन करेगा। इस समझौते से देशों के बीच व्यापार के दौरान लेन देन की लागत कम होगी, जिससे बांग्लादेश में भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश वैसे तो मौजूदा वक्त में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी का सामना कर रहा है और भारतीय मुद्रा में व्यापारिक लेन देन से उसे इस स्थिति से निपटने में काफी मदद मिलेगी, जिसके चलते भारत से आयात की मांग भी बढ़ेगी। सीमा पार लेन देन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने में मदद मिल सकेगी। बता दें, भारत और बांग्लादेश ने जुलाई में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और रीजनल करेंसी और व्यापार को मजबूत करने के मकसद से रुपए में व्यापार संबंधी लेनदेन शुरू किया था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि बांग्लादेश ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी विदेशी मुद्रा में द्विपक्षीय व्यापार करने का फैसला लिया। वैसे इसके अलावा भी बात की जाए तो दोनों देशों के बीच के संबंध वैसे काफी अच्छे रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को चटगांव और मोंगला बंदरगाहों तक कार्गो जहाजों के लिए परमानेंट एक्सेस दे दिया था, मतलब जिसके बाद इन बंदरगाहों पर भारत को बेरोक टोक आवाजाही करने की परमिशन मिल गई थी। वहीं चीन इसके बाद काफी बौखलाया था, क्योंकि चीन बांग्लादेश में भारी तरीके से पैसे लगा रहा है। वहां पर भारत का इस तरीके से घुसना चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं। बांग्लादेश भारत का साथ आना उसकी नीतियों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। वहीं इसके बाद अब दोनों देशों में रुपए में लेन देन का फैसला जो हुआ है, उसे देखकर भी चीन काफी परेशान होगा। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत। धन्यवाद।